नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दोस्तों इससे रिलेटेड आप बाकी वीडियोज मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो आया है EKYC का, तो EKYC हम किस तरह से करेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, फ्लो चार्ट, पूरा SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सब आप आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट तो पता ही है, PMAYG.NIC.IN। ठीक है, तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो है होम पेज आ जाता है। अब मैं आपको थोड़े दिन बाद PM जनमन योजना के बारे में बताने वाला हूँ, और इसी के तहत में दोस्तों इसे हमने देखा EKYC ऐप किस तरह से कार्य करेगी, तो उसका पूरा SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम देखेंगे आज की वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ बेनिफिशरी, ठीक है, जो चेहरे का सत्यापन कार्य किया जाएगा हितग्राही का, फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ बेनिफिशरी इन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG, तो उसका हम मेन जो है SOP आज देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो बैकग्राउंड पहले अपन देख लेते हैं कर क्यों रहे हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द फ्लेक्सिबल स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.95 करोड़ पक्का हाउस विद बेसिक एमिनिटीज टू ऑल एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड बाय मार्च 2024 विद बेसिक एमिनिटीज। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, जो मंत्रालय है, वो मेन उनकी फ्लेक्सिबल स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, किस लिए है कि सभी को आवास प्राप्त हो सके। ठीक है, 2.95 करोड़ पक्का हाउस जो है मिल सके बेसिक व्यवस्था के साथ, सभी सुविधाओं के साथ। तो द मोस्ट इम्पॉर्ट कब तक हो सके, मार्च 2024 तक, जैसे अभी 24 चल रहा है तो मार्च 2024 तक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ PMAYG इज द सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरी विच वॉज डन यूजिंग SEEK 2011 एंड आवास प्लस 2018 सर्वे। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सिलेक्शन करना है ना, कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हितग्राही का करना, जो किसके द्वारा किया गया, एक तो SEEK 2011 की जनगणना जो रही आर्थिक जातिगत जनगणना उसके आधार पर, और फिर आवास प्लस में जो शेष रह गए थे लोग, तो आवास प्लस में नाम जोड़े गए 2018 सर्वे में। वंस बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन इज डन, जब हितग्राही का जो है आइडेंटिफिकेशन सत्यापन हो गया है, बेनिफिशरी ऑथेंटिकेशन इज सेकेंड मोस्ट क्रिशियल स्टेप ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो बेनिफिशरी का जो है ऑथेंटिकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन के लिए। तो द ऑथेंटिकेशन इज कैरिड आउट यूजिंग आधार सर्विस, अब किसके द्वारा किया जाएगा, आधार कार्ड, आधार सर्विस द्वारा ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। इन PMAYG एज ऑफ नाउ डेमो ऑथेंटिकेशन इज यूज्ड, डेमो सबसे पहले PM आवास योजना पर ही किया जा रहा है। दिस मीन ऑथेंटिकेशन इज एबल टू कंफर्म द जेन्युइननेस ऑफ आधार नंबर एंड नेम। ठीक है, आधार नंबर और नेम का जो है सही तरीके से सत्यापन होगा इससे। However, it has limitation in confirming whether the beneficiary is same person whose Aadhaar has been submitted or not. ठीक है, तो relational for introducing face authentication क्या क्या करना पड़ेगा हमें। तो Aadhaar database has captured data on many parameters which include fingerprint, क्या क्या data रखता है captured करता है Aadhaar database, fingerprint, iris scan, है ना, आँखों की पुतलियों की scan and face. द यूजेस ऑफ फेस ऑथेंटिकेशन, फेस मतलब चेहरा, ठीक है, शैल एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी एंड हेल्प एलिमिनेट द पॉजिबिलिटी ऑफ मिसमैच बिटवीन फेस ऑफ द बेनिफिशरी एंड हिज नेम एंड आधार नंबर। दिस विल इंश्योर दैट द राइट बेनिफिट्स आर गिवन टू राइट बेनिफिशरी एट द राइट टाइम। हमें मेन सत्यापन कार्य यही है कि जो है सही फायदा सही लोगों तक सही समय पर पहुँच पाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट एम्स टू प्रोवाइड SOP फॉर फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ बेनिफिशरी अंडर PMAYG स्कीम। प्रपोज्ड सॉल्यूशन, मोबाइल बेस्ड EKYC सॉल्यूशन इंटीग्रेटेड विद आधार फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस एंड बंडल विद AI। AI का यूज किया जाएगा, AI इनेबल्ड फेस मैचिंग कैपेबिलिटीज बींग डेवलप्ड टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ बेनिफिशरीज आइडेंटिफिकेशन मेथोडोलॉजी। NIC विल बी यूजिंग फेस ऑथेंटिकेशन फॉर बेनिफिशरीज फॉर होम डेमो ऑथेंटिकेशन हैज ऑलरेडी बीन डन, द सॉल्यूशन हैज टू फेसेज। किस तरह से होगा सत्यापन कार्य, तो दो फेसेज में किया जाएगा, बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन वेलिडेशन,
द बेनिफिशरीज आइडेंटिटी विल बी इस्टेब्लिश थ्रू ए मोबाइल एप्लीकेशन यूटिलाइजिंग आधार फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस। मोबाइल ऐप के जरिए जो मैंने बताया आपको जो आवाज़ की ऐप है उसी के जरिए जो है उसी में ऑप्शन आएगा ई केवाईसी का, तो उसके जरिए आधार की जो मेन सुविधा आधार फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस उससे जो है मिलेगा, माइग्रेट होगा उसके साथ, उससे फेच करेगा। दिस प्रोसेस विल इंश्योर दैट द इंडिविजुअल प्रेजेंट ड्यूरिंग द ई केवाईसी प्रोसीजर इज द सेम एज द वन हु है डाटा हैज़ बीन इंटर्ड और टेकन फ्रॉम एनी सर्वे। कोई से सर्वे से डाटा लिया गया है, आवास प्लस सर्वे या किसी से भी, तो यह सत्यापित करेगा कि वही, ठीक है। एडिशनली अ फोटोग्राफ ऑफ द बेनिफिशरीज फेस विल बी कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड इन ए डाटाबेस एज पार्ट ऑफ ई केवाईसी प्रोसेस। उसके साथ ही क्या होगा कि फोटो जो रहेगी बेनिफिशरीज की, जो हितग्राही के चेहरे की, वह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ई केवाईसी प्रोसेस अंतर्गत सुरक्षित रहेगी डाटाबेस में। दिस इनिशियल आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी वैलिडेशन विल बी शेयर्ड अक्रॉस ऑल द एप्लीकेबल स्कीम, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी वैलिडेशन रहेगा ये जो भी इसके समानता जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट स्कीम उसमें शेयर किया जाएगा। दिस फेस विल हैव डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड आधार फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस। ये जो रहेगा एक तो किस किस पे डिपेंड है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए और आधार फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस होना चाहिए। फेस ऑथेंटिकेशन टू बी डन फॉर न्यू बेनिफिशरीज एट रजिस्ट्रेशन लेवल एंड बिफोर रिलीज ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कब कब फेस ऑथेंटिकेशन करना है, सबसे पहले तो नए हितग्राही के लिए रजिस्ट्रेशन के समय और पहली जो है किस्त देने के पहले, सब ये इसमें है ना, बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन वैलिडेशन। अब सब सिक्वेंट वेरिफिकेशन कैसा होगा, तो फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ सबसिक्वेंट वैलिडेशन द बेनिफिशरीज आइडेंटिटी विल बी वेरीफाइड बाय कैप्चरिंग देयर करेंट इमेज एंड कंपेयरिंग इट विद द स्टोरेज स्टोर्ड इमेज इन द डाटाबेस यूजिंग एन AI ड्रिवन इमेज मैचिंग टेक्निक। इसमें क्या होगा, सब सिक्वेंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में ये जो हम फोटो खींचेंगे और उसमें पहले से जो स्टोर्ड फोटो है उन दोनों का मैच करेगी डाटाबेस का, ठीक है, AI जो टेक्नोलॉजी उससे। दिस अप्रोच रिड्यूस डिपेंडेंसी ओवर आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस एंड कंफर्म्स बेनिफिशरी आइडेंटिटी एवरी टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम्स एज पर देयर गाइडलाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो बार बार आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना होगा, एक बार में ही ये हो जाएगा। दिस स्टेप विल बी परफॉर्म ड्यूरिंग सबसिक्वेंट इंस्पेक्शन ऑफ हाउस एंड PMAYG, दिस विल बी ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये स्टेप कब हो कर सकते हैं हम, जबकि इंस्पेक्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास का तब, ठीक है। इसी तरह स्टेक होल्डर्स एंड रोल ये पूरा दिया हुआ है, किन किन ने जैसे NIC DRDO होना है, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर को क्या करना है, स्टेट लेवल ऑफिसर को करना है। अब वर्क फ्लो डायग्राम ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर हम ऐप पर भी समझेंगे। यहाँ देख लेते हैं ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में क्या होगा, सबसे पहले फील्ड ऑफिसर लॉग इन इन आवास ऐप, आवास ऐप जो है उसमें फील्ड ऑफिसर लॉग इन करेंगे। फील्ड ऑफिसर उसमें ग्राम रोजगार सहायक महोदय, पंचायत जी महोदय, ठीक है, या फिर ब्लॉक पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत से निर्धारित कोई व्यक्ति है ना, नियुक्त कोई व्यक्ति, वो लॉग इन करेंगे। फिर सिंक्रोनाइज डाटा पर क्लिक करेंगे। सिंक्रोनाइज डाटा के बाद रीडायरेक्ट टू EKYC ऐप फॉर ईच अटेंडेंस। जो भी हितग्राही के सामने जाएंगे वो सीधे यहाँ पर EKYC ऐप पर ले जाएगा। इसके बाद यदि यहाँ चेक फॉर EKYC स्टेटस जो चेक करेंगे, यदि इफ EKYC ऑलरेडी डन, यदि पहले से EKYC है तो लोकल फेस ऑथेंटिकेशन होगा। इसके बाद कैप्चर फेस इमेज मैच विद लेटेस्ट वेरीफाइड इमेज, ये होगा। इसके बाद यदि ये सक्सेस हो गया तो फोटोग्राफ्स जो रहेंगी वो यहाँ पर दिख जाएंगी EKYC डन, ठीक है, इन डाटाबेस। यदि फेलवर हो गया तो डू ऑफलाइन फेस ऑथेंटिकेशन, अभी हम ऑफलाइन भी देखने वाले हैं। इसके बाद यदि इफ EKYC नॉट डन, यदि EKYC नहीं हुआ है तो EKYC ऐप डज फेस ऑथेंटिकेशन यूजिंग UIDAI SDK। EKYC नहीं हुआ तो EKYC करना है जो आधार फेस ऑथेंटिकेशन की जो UIDAI की एप्लीकेशन उससे। इसके बाद सक्सेस हो जाएगा तो सक्सेस, यदि नो यस हुआ तो वन लेटेस्ट फोटो ऑफ बेनिफिशरीज कैप्चर्ड, बिल्कुल जो नई फोटो है वो ली जाएगी हितग्राही की। और प्रोसेस कंप्लीटेड फोटोग्राफ विद टाइम स्टैम्प इनकप्टेड आधार नंबर रजिस्ट्रेशन ID स्कीम नेम स्टोर्ड इन EKYC डाटाबेस, ये हो जाएगा। यदि ये नहीं हुआ, EKYC सक्सेसफुली डन नहीं हुई, तो इन केस ऑफ मल्टीपल रिजेक्शन आधार नंबर कैन बी टेकन फ्रॉम मनरेगा। इफ EKYC हैज बीन सक्सेसफुल दिस कैन बी डन आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, ये हमने देख लिया
अब यदि यहाँ से जो हमने ये पूरा डाटा देखा, इसके बाद ये भी देख लिया, इसके बाद बेनिफिशरी ऑथेंटिकेट जो है लोन गेट्स अपडेटेड इन आवास ऐप, ये सब चीज़ें कर लेंगे हम तो बिल्कुल जो है हितग्राही का डाटा आवास ऐप में अपडेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम ऑफलाइन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ यदि फेलुअर हो जाता है तो ऑफलाइन फेस ऑथेंटिकेशन करना हो तो वो किस तरह से होगा वो भी देख लेते हैं ऑफलाइन मोड। तो अब जो है हम ऑफलाइन मोड देख लेते हैं। ऑफलाइन मोड में क्या करना होगा, फील्ड ऑफिसर्स लॉग इन आवास है, जो भी ग्राम पंचायत सचिव महोदय जीआरएस महोदय उनको पहले लॉग इन करना होगा, फिर सिंक्रोनाइज डाटा करना पड़ेगा। रीडायरेक्ट टू ई के वाई सी एप फॉर ईच ऑथेंटिकेशन, जैसे सिंक्रोनाइज करेंगे रीडायरेक्ट जो ई के वाई सी एप है उस पर चले जाएंगे। फिर यहाँ चेक होगा, चेक ई के वाई सी स्टेटस है इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई के वाई सी का स्टेटस देखेंगे हुई है या नहीं और इंटरनेट की उपलब्धता है या नहीं। यदि इफ ई के वाई सी नॉट, यदि ई के वाई सी नहीं किया है तो इंटरनेट जरूरी हो जाएगा, इंटरनेट रिक्वायर्ड। यदि ई के वाई सी पहले से हो चुका है, ई के वाई सी ऑलरेडी डन, तो ई के वाई सी ऐप कैप्चर्स फोटोग्राफ ऑफ वर्कर, ई के वाई सी ऐप जो है वर्कर जो है हितग्राही की फोटो ले पाएगी। फिर इंटरनेट एबिलिटी देखेंगे, यदि इंटरनेट अवेलेबल है, यदि इंटरनेट की उपलब्धता है यस, तो डू ऑनलाइन फेस ऑथेंटिकेशन, तो ऑनलाइन फेस ऑथेंटिकेशन होगा। यदि नहीं है नो ऑप्शनल है, तो कैप्चर इमेज एंड परफॉर्म लोकल ऑथेंटिकेशन सक्सेस तो प्रोसेस कंप्लीटेड, फेलुअर तो इन केस ऑफ मल्टीपल रिजेक्शन आधार नंबर कैन बी टेकन फ्रॉम मनरेगा इफ ई के वाई सी हैज बीन सक्सेसफुल, दिस कैन बी डन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो इसके बाद क्या होगा, प्रोसेस कंप्लीटेड क्या यदि हो गया तो ऑटो सिंक्रोनाइजेशन बेनिफिशियरी ऑथेंटिकेशन गेट्स अपडेट्स इन आवास ऐप में जो है पूरा डाटा हितग्राही का अपडेट हो जाएगा। तो ये दोनों है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं, इंटरनेट है तो भी, नहीं है तो भी, नहीं है तो आखिरी में हमें जाकर इंटरनेट वाले जगह पर उसको अपडेट करना होगा। ठीक है, इस तरह से पूरा ऑप्शन है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, व्हेन विल फेस ऑथेंटिकेशन बी कंडक्टेड, कब फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, फेस ऑथेंटिकेशन टू बी डन फॉर न्यू बेनिफिशरीज एट द रजिस्ट्रेशन लेवल एंड बिफोर रिलीज ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जैसे हमने करा कि बिल्कुल नए हितग्राही के लिए जो है फेस ऑथेंटिकेशन अभी किया जाएगा और पहली किस्त देने के पहले। केसेस वेयर बेनिफिशरी है पास्ड अवे, यदि जो बेनिफिशरी हितग्राही है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, द प्रोसेस टू एड द नॉमिनी इज टू बी डन फर्स्ट, सबसे पहले उनके नॉमिनी को एड करेंगे इन आवास सॉफ्ट में एंड हिजर फेस ऑथेंटिकेशन कैन बी डन आफ्टर सक्सेसफुल डेमो ऑथेंटिकेशन है आवाज साफ, फिर उनके नामिनी का ही फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। प्री रिक्वेस्टी ऑफ कंडक्टिंग फेस ऑथेंटिकेशन, क्या क्या चाहिए हमें फेस ऑथेंटिकेशन के लिए, तो दो एंड्रॉयड ऐप चाहिए रहेगी। फील्ड लेवल ऑफिसर हैज टू डाउनलोड टू एपीके, दो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, आधार फेस आरडी एपीके, तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन है जो ऐप है आधार फेस आरडी ऐप, फिर ई के वाई सी ऐप, ये दोनों ई के वाई सी ऐप आवास सॉफ्ट में रहेगी और आधार फेस आरडी ऐप हमको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेप्स ऑफ फेस ऑथेंटिकेशन, तो स्टेप ई के वाई सी ऑफ बेनिफिशरी किस तरह से होगी, दिस इज द मोस्ट क्रिशियल एंड इसेंशियल स्टेप्स फॉर द फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, ऑल बेनिफिशरीज मस्ट कंप्लीट द स्टेप, दिस स्टेप द फील्ड ऑफिसर्स विल लॉग इन टू द आवास ऐप एंड ऑन द होम स्क्रीन दे विल सी द ऑप्शन फॉर ऑनलाइन बेनिफिशरीज ई के वाई सी, सबसे पहले ऑप्शन क्या दिखेगा लॉग इन का, ऑनलाइन बेनिफिशरी ई के वाई सी, बाई क्लिकिंग दिस लिंक ए लिस्ट ऑफ ऑल बेनिफिशरी मेप टू द ऑफिसर्स विल अपेयर, अपॉन सेलेक्टिंग ए बेनिफिशरी द ई के वाई सी ऐप विल ओपन, ये हम थ्योरेटिकल देख रहे हैं, फिर हम ऐप में भी देखेंगे। द यूजर शुड पोजिशन द बेनिफिशरी इन फ्रंट ऑफ द मोबाइल स्क्रीन इन सेल्फी मोड एंड क्लिक आधार बेस्ड ई के वाई सी, द बेनिफिशरी मस्ट इंश्योर दे लुक डायरेक्टली इन टू द मोबाइल कैमरा एंड वाइड ओपन आइज एंड वेन प्रॉम्प्ट ब्लिंक देयर आइज प्रॉपरली, जब फोटो खींचेंगे तो जो है आंखों को जो है ब्लिंक करना है, चालू बंद करना है। द फील्ड ऑफिसर शुड इंश्योर दैट द एक्टिविटी इज परफॉर्म विथ ए गुड इंटरनेट कनेक्शन, द मोबाइल इज हेल्ड फॉर्मली, सही तरीके से रखा गया मोबाइल एंड द बेनिफिशरी इज एट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फोन, और सही दूरी पर हितग्राही खड़ा हो, नॉट टू क्लोज, ना ही बहुत पास और ना ही बहुत दूर, नॉट टू फार। वंस ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल, यदि जैसे ही सत्यापन कार्य हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, द बेनिफिशरीज फोटो विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप, सबसे ऊपर फोटो दिखेगी हितग्राही की एंड ए ग्रीन चेक मार्क, और ग्रीन चेक मार्क साथ दिखेगी विद टाइम स्पेंड विल बी शोन नेक्स्ट टू आधार बेस्ड ई के वाई सी, आधार बेस्ड ई के वाई सी के लिए दिखेगी। आफ्टर दिस यूजर टू क्लिक शेयर ऑथेंटिकेशन टोकन टू सोर्स ऐप, फिर काई पे क्लिक करना पड़ेगा शेयर ऑथेंटिकेशन टोकन टू सोर्स ऐप एंड क्लिक सेव एंड सबमिट बटन इन आवास ऐप, ये हमने पहला देख लिया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड क्या रहेगी, सब सिक्वेंट फेस ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल,
विद गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसिक्वेंट फेस ऑथेंटिकेशन कैन बी डन बोथ फ्रॉम ऑनलाइन बेनिफिशियरी केवाईसी ऑन होम स्क्रीन ऑफ आवास ऐप। आवास ऐप में ही होम स्क्रीन पर ऑप्शन आएगा ऑनलाइन बेनिफिशियरी ई केवाईसी, और दूसरा रहेगा ऑनलाइन इंस्पेक्शन मोड बेनिफिशियरी इंस्पेक्शन अप्रोच। फर्स्ट में क्या रहेगा, आधार बेस्ड ई केवाईसी होगी, इट विल बी सेम एज डिस्क्राइब्ड इन स्टेप जैसे पहले दिखाया गया है, और नहीं तो फेस ऑथेंटिकेशन किस तरह से होगा अप्रोच। सेकंड, दिस कैन बी डन ओनली व्हेन आधार बेस्ड ई केवाईसी या बेनिफिशियरी वाज अर्लियर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यदि पहले से ई केवाईसी हो चुका है आधार बेस्ड, तब ये चीज़ें हो पाएंगी, ये वाली चीज़ आफ्टर सेलेक्टिंग बेनिफिशियरी इन ऑनलाइन बेनिफिशियरी ई केवाईसी और ऑनलाइन इंस्पेक्शन मोड। बेनिफिशियरी इंस्पेक्शन ई केवाईसी ऐप ओपन्स अप एंड देन इज वन ऑप्शन ऑफ फेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, द यूजर शुड पोजिशन द बेनिफिशियरी इन फ्रंट ऑफ द मोबाइल स्क्रीन सेल्फी मोड एंड क्लिक फेस ऑथेंटिकेशन। द बेनिफिशियरी मस्ट इंश्योर दे लुक डायरेक्टली इन टू द मोबाइल कैमरा विथ वाइड ओपन आइज एंड वेन प्रॉम्प्ट ब्लिंक देयर आइज प्रॉपरली। बिल्कुल वही कंडीशन है, सही तरीके से खड़ा होना, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, सभी पूरी वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी है। आफ्टर दिस यूजर टू क्लिक शेयर ऑथेंटिकेशन टोकन टू सोर्स सेव एंड क्लिक सेव एंड सबमिट बटन इन आवाज़ है। बिल्कुल वही की वही प्रोसेस पूरी इसमें भी लिखी हुई है। विथ लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी, जब लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है या नहीं है तो वो भी। सबसिक्वेंट फेस ऑथेंटिकेशन कैन बी डन बोथ फ्रॉम ऑफलाइन बेनिफिशियरी केवाईसी ऑन होम स्क्रीन ऑफ आवास ऐप या ऑफलाइन इंस्पेक्शन मोड बेनिफिशियरी इंस्पेक्शन। जो हमने डायग्राम देखा तो ऑफलाइन पूरा इस तरह से होगा, तो इसमें भी पूरी यहाँ पर प्रोसेस दी हुई है। जैसा हमने उसमें देखा सेम वही ऑफलाइन बेनिफिशियरी लिंक इसमें दिखेगी, तो उस तरह से हम कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह से रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग किस तरह से होगी, डेडिकेटेड डैशबोर्ड विद टेबुलर एज वेल एज ग्राफिकल रिपोर्ट्स वुड बी प्रोवाइडेड ऑन आवास ऐप टू मॉनिटर एंड एनालाइज द गैप्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेस ऑथेंटिकेशन। और फोटोग्राफ ऑफ बेनिफिशियरी टू बी शोन इन PWL परमानेंट वेटिंग लिस्ट में जो है फोटोग्राफ्स दिखेगी। और एक डैशबोर्ड भी बनाया गया है जिसमें कि टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में और ग्राफिकल रूप में भी जो है आवास सॉफ्ट जो है उसमें जो एक तो आवास सॉफ्ट हमारा ये PMAYG.NIC.IN और मोबाइल में पूरा हमको दिखेगा यहाँ पर कि किस तरह से क्या क्या फेस ऑथेंटिकेशन हुआ है या नहीं, सारी जानकारी दिखेगी। तो ये पूरी जानकारी है दोस्तों, पूरी हमने आज SOP देख ली, ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों देख लिए किस तरह से कार्य करेंगे, और भी छोटी से बड़ी जानकारी और इसकी ऐप से संबंधित किस तरह से कार्य होगा वो सब जानने के लिए आप मेरे साथ बने जो रही। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत